पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं पाली के देसूरी से, जहां अटाटिया ग्राम में एक 14 वर्षीय छात्र के पानी में बहने का मामला सामने आया है। अटाटिया ग्राम में सरकारी विद्यालय के पास नदी के पुल पर रामपुरा ढाणी का छात्र भूमाराम पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसको मौके पर साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन 15 साल के भूमाराम का कोई अता पता नहीं चला। मौके पर तहसीलदार दलबल के साथ पहुंचे गोताखोर की सहायता से नदी में छानबीन की, मगर भूमाराम का कोई पता नहीं चला। पाली के देसूरी उपखंड मुख्यालय से पेयजल सेलिनाल बांध ओवरफ्लो हो गया। इस दौरान सेलिनाल बांध के ओवरफ्लो होने पर पानी देसूरी बस स्टैंड की डाकर नदी से होकर गुजरता है। सेलिनाल बांध के ओवरफ्लो होने से देसूरी डाकर नदी पूरे उफान पर बह रही है। देसूरी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने स्टाफ समेत नदी पर तैनाती कर ली है। देसूरी घाणेराव राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। पाली के सुमेरपुर उपखंड के ढोला गांव के पास दो तालाब फूटने से गांव में पानी भर गया। गांव में जाने का कोई मार्ग नहीं है, ऐसे में रेस्क्यू चलाकर लोगों को गांव से बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाकर गांव से बाहर निकाल रही है। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव बचाव दल के साथ गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ढोला गांव में अधिकतर कच्चे मकान गिर गए। एक मकान ढहने से मलबे में दबने से अंसी देवी की मौत हो गई। गांव में अभी कम से कम 5 से 6 फीट पानी भरा है। वहीं पाली के सुमेरपुर के ढोला गांव में फोल्डे निर्माण कंपनी द्वारा बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था किए बगैर बनाए गए फ्लाईओवर के कारण बाढ़ के हालात हो गए। गांव से एनडीआरएफ की टीम 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जा चुका है। इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी भामाशाह एवं स्थानीय विधायक मदन राठौड़ एवं नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा की जा रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पर्यटन स्थली गोरम घाट के जोग मंडी में फंसे 5 युवकों को लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बारिश से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली सभी ट्रेन को डायवर्ट किया गया। वहीं स्टेशन पर यात्रियों की चहल पहल दिखाई देने लगी। जोधपुर के लूणी की कई बस्तियां जलमग्न हो गई है। पुलिस कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाना क्षेत्र के गंगाना गांव में बरसाती नाले के पानी के तालाब में दो बालक तेज बहाव में बह गए, जिसे साहिल खां और शेखू खां की मौत हो गई। राजीव गांधी नगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बाड़मेर के संगड़ी के नजदीक जेठनतरी गांव में लूणी नदी में बह रहे बरसाती पानी में एक ऑटो पलट गया। ऑटो पलटने पर वहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पानी में जाकर रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला। ग्रामीणों के अनुसार इस ऑटो में 4 महिलाएं, 4 पुरुष और एक बच्चा था। इसमें चालक सहित 10 सवारियां भरी हुई थी। जालौर के जसनपुरा में कस्बे के निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जालौर के सायला में क्षेत्र में पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी ने कमर कस ली है। आर्मी ने लोगों को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकालना चालू कर दिया है। जालौर के साचौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले में कल शाम बाद बारिश का दौर रुका हुआ है। पांचरा बांध टूटने से रात को साचौर शहर में पानी घुस गया। भीमाल शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पूरी गौशाला में पानी जमा होने से कीचड़ फैल गया। चांदना गांव भी टापू बना हुआ है। लोग पहाड़ पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। कल जैतपुरा में टापू पर 25 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाया था। वहीं अकोली में 7 लोगों को बचाया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। अब भी कई गाँवों का संपर्क टूट गया है। कलेक्टर LN सोनी ने जिले में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। सिरोही के रेवदर कस्बे में भारी बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के दौर में रेवदर का रोहुआ गांव चारों ओर से पानी से गिर गया है। गांव वाले इस पानी के बीच फंसे हुए हैं। SDRF के साथ सिरोही प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयासों से जान जोखिम में डालकर अणगौर, अंदौर, लोटीवाड़ा, धांता और पालड़ी एम में पानी के तेज बहाव से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। सिरोही के एक शिक्षक का परिवार, एक अन्य परिवार के 17 लोग अणगौर में खेतों में फंस गए थे, जिन देर शाम को बचा लिया गया। वहीं लोग पर्याप्त भोजन सामग्री के साथ सुरक्षित स्थान पर हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में पिछले 24 घंटों में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कस्बे के गांधी चौक में बरसाती पानी निकासी नहीं होने पर बारिश के दौरान यहाँ पानी भर जाता है। बता दें कि अब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश होती रही तो शेरगढ़ में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, जबकि प्रशासन अब भी मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे शेरगढ़ वासियों में भारी रोष व्याप्त है। राजसमंद के भीम में 48 घंटों से लगातार बारिश से जिले भर के अनेक तालाब और बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते
नवलियापा गांव का जिले से संपर्क टूट गया है। बारिश के चलते गांव के चारों ओर पानी भर गया और रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में चार चार फीट तक पानी भरा हुआ है। सारा का सारा गांव ही टापू बन गया है। वही गांव के लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सुस्त प्रशासन कई घंटों बाद लोगों की सुध लेने पहुंचा। लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का स्तर और बढ़ने की आशंका है। पाली की रानी सोमेश्वर कस्बे में हुई बारिश से इंदिरा कॉलोनी के निचले इलाकों में व घरों में और दुकानों में पानी भर गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भराव हो गया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए स्थानीय भादरलाऊ ग्राम पंचायत प्रशासन हरकत में आया। जेसीबी की मदद से नाला बनाकर पानी की निकासी की गई। पाली के मारवर जंक्शन क्षेत्र में लगातार नदियां चलने से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां उपखंड अधिकारी कौमपुर शर्मा एवं थाना अधिकारी पोला राम चौधरी में जाप्ता नदी एवं गांवों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाली के मारवर जंक्शन क्षेत्र के उफान पर चल रही नदी एवं लगातार हो रही बारिश के बीच उपखंड अधिकारी कौमपुर शर्मा ने आमजन से बहते पानी से दूर रहने की अपील की है। यहाँ उपखंड अधिकारी शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जलभराव की स्थिति में प्रशासन को सूचना देने की अपील की। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र में 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से गांव के गली मोहल्लों में पानी ही नजर आ रहा है। ब्रिज के पास समदड़ी जाने वाले रास्ते पर पैदल चलना भी कठिन हो गया, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में चल रही लगातार झमाझम बारिश से सड़क व नदी नाले उफान पर है। संगेसरा सड़क मार्ग पर तेज बारिश के कारण शनिवार रात से बंद है। वही वाकली नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव के कारण मार्ग बंद पड़ा है, जो NH76 से संगेसरा करचाली आकोला फतेहनगर का मुख्य मार्ग है। बाड़मेर के समदड़ी में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ जिला व्रत बाड़मेर के तत्वाधान में 62वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वही भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्रद्धेय श्री दत्तोपत जी ठेंगड़ी को याद करते हुए दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण के साथ समारोह का शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने कल्याण नगरी में विशाल कांवड़ यात्रा निकालकर श्री कल्ला जी का सहस्त्र धाराभिषेक कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इससे पहले लगभग 200 कांवड़ियों ने त्रिवेणी संगम से कांवड़ों में पवित्र जल भरकर ढोल नगाड़ों के साथ हल्की फुहारों के बीच रवाना हुए। इस दौरान नगरवासियों ने भी पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लॉयंस क्लब द्वारा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रकल्पों के माध्यम से दो स्कूल के निर्धन छात्र छात्राओं को गणवेश वितरित की गई। इस मौके पर लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन श्यामलाल भराड़िया, GR गर्ग सहित विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जनसंख्या पखवाड़े के अंतर्गत महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर शाला के संस्थापक ने जनसंख्या वृद्धि होने से वाले दुष्परिणाम से छात्रों को अवगत करवाया। उदयपुर के गुड़ा पंचायत की सरपंच विमला देवी भील की ओर से उप प्रधान राघवेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद उप प्रधान राघवेंद्र सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में सभी आरोपों को नकारा है। बूंदी के नैनवा उपखंड के देई कस्बे के पास सवाई माधोपुर डिपो की बस तेईस से नैनवा की तरफ जा रही थी। इसी बीच विद्युत ग्रेड के पास सड़क पर नैनवा जाते समय अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। स्टीयरिंग फेल होने की सूचना से बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे बस चालक ने बस को कंट्रोल किया। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर के चोमू के रेनवाल रोड स्थित होली दहन स्थल पर कचरा डालने को लेकर आज आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं ने नगरपालिका की कचरे की ट्रॉलियों को कचरा नहीं डालने दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश में पानी भरने से कचरे में बदबू हो जाती है और फिर मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बीमारियां हो रही है। लोगों का कहना है कि मृत पशु भी यहाँ डाले जा रहे हैं, जिससे आसपास के वातावरण में हमेशा बदबू बनी रहती है। आज सुबह जब नगरपालिका के ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा डालने पहुंचे, तब स्थानीय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों को कचरा नहीं डालने दिया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कल लौटेंगे। एक ही बार आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर दौसा के बड़ौली से जहां माध्यमिक विद्यालय में दो युवक पांचवी क्लास के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। जब इस बारे में कार्यवाहक प्रधानाचार्य कालूलाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बीए पास हैं जिनका भुगतान गांव के लोग ही करते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भिंजासर में ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद के सीईओ ने सरपंच पर ग्राम रोजगार सहायक जेटीए व ग्राम सेवक पर 40 लाख के गबन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की। रोजगार सहायक व जेटीए को निलंबित किया गया व सरपंच व ग्राम सेवक को नोटिस दिया गया। वहीं सरपंच संघ श्री डूंगरगढ़ की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इस कार्रवाई का सभी सरपंचों ने विरोध किया। सरपंच संघ ने बताया कि 40 लाख का कार्य केवल स्वीकृत हुआ है जिसको लेकर जिसका केवल 11 लाख का श्रमिकों का भुगतान किया गया है और बाकी मटीरियल का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। सीकर की नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने एक युवक हेमंत को बाइक चोरी करते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान हेमंत ने बाइक चोरी की अनेक वारदातें करना कबूल किया। वहीं पुलिस ने हेमंत के द्वारा चुराई गई बाइक भी बरामद की है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में जनसंख्या दिवस पखवाड़े की समाप्ति के उपलक्ष्य में परिवार नियोजन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता करते हुए पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राका ने भी देश के सामाजिक विकास के लिए भी जनसंख्या नियंत्रण को आवश्यक बताया। इस अवसर पर 20 उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में खाखले से भरा मिनी ट्रक पलट गया। ट्रक भीलवाड़ा से जयपुर जा रहा था। डूंगरपुर के जौतरी ब्लॉक के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संघ सह प्रधानों को दो दिवसीय सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ डोल कुंजेला सुराता में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पीएचईडी विभाग सुशील कटारा ने किया। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत बताई। उदयपुर के फलासिया में नदी पार करते वक्त डूबने से युवक की मौत हो गई। मामला फलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के अंबासा गांव का है। मृतक की पहचान अरविंद पुत्र लक्ष्मण डामोर के रूप में हुई। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के जोधपुर से जैसलमेर नेशनल हाईवे पर सेखाला गांव की सरहद में बस की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। इस ट्रॉली में भरे पत्थर सड़क पर बिखर जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया। शेरगढ़ पुलिस थाने के एएसआई सज्जन से घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं क्रेन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली हटवाई व सड़क मार्ग से पत्थर हटाकर रास्ता खुलवाकर यातायात को सुचारू किया गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर के वल्लभ नगर बाड़े की छत गिर गई जिससे तीन पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बाड़े के पिछवाड़े की दीवार तोड़कर बाकी बचे पशुओं को निकाला। सभी घायल पशुओं का उपचार रात को ही कानोड में पहुंची पशु चिकित्सा टीम द्वारा किया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नागौर के मेड़ता सिटी में भाजपा के कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने मेड़ता सिटी का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले भूतड़ा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अमित शाह के तीन दिवसीय दौरे पर प्रकाश डाला। भूतड़ा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, पार्टी का संगठन और मजबूत हो गया। बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि में आम कार्यकर्ता सब एक समान समझने लगे। नागौर के मेड़ता सिटी में कांवड़ियों का फूलमालाओं से अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व जैसे ही कावड़ यात्रा मोरराज चौराहे पर पहुंची तो पालिका के प्रतिपक्ष नेता छोटूलाल गहलोत भाजपा मंडल महामंत्री रामेश्वर घांची ने अभिनंदन किया। भरतपुर के हलैना में सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यहां सूचना मिलने पर अधिकारी नहीं आए। यहां सड़क पर पानी जमा हो गया। सड़क की हालत क्षतिग्रस्त होने से पैदल कठिन हो गया। अजमेर के मांगलियावास में जेठाना बड़े तालाब की आव पर अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ घरों में पानी घुस गया। यहाँ लोगों ने वार्ड पंच को शिकायत की जिसके बाद सुमित्रा मेघवंशी ने पुलिस को शिकायत करी और जांच करने की मांग की। सरपंच पन्नालाल गैना प्रधान दिलीप पचार जयपुर सावनलाल जाट के पास होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। भरतपुर के भुसावर में अंधविश्वास से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। यहां गांव में महिलाओं की चोटियां कटने की घटना अब भी जारी है। भरतपुर के डी में नगर पालिका में जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेला को लेकर पालिका अध्यक्ष मोनिका मथुरिया की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। इसमें मेले का आयोजन 19 से 25 अगस्त तक आयोजित किए जाने को लेकर पार्षदों से चर्चा की गई। इस बार मेले के लिए 15 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मेले में खेल तमाशे वालों को निशुल्क भूमि दी जाएगी। इस दौरान पालिका के विभिन्न पार्षदों ने मेले के आयोजन को लेकर कई सुझाव भी दिए। भरतपुर के भुसावर में खनन एवं विस्फोट से ग्रामीण परेशान है। यहाँ पहाड़ों की खुदाई से अवैध खनन से सरकार को नुकसान हो रहा है। विस्फोट से घरों में दरारें आ गई है। इससे वन्य जीवों का भी पलायन होने लगा है। धरती की हरियाली गायब हो गई है। विस्फोट से खेत में खड़ी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इससे परेशान होकर किसानों ने विरोध भी किया लेकिन फिर भी प्रशासन ने तो कोई ध्यान नहीं दिया।
सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जिला कलेक्टर के सी वर्मा कुश्तला पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने मॉर्निंग फॉलोअप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ चौथ का बरवाड़ा के उपखंड अधिकारी रघुनाथ खटीक भी थे। जिला कलेक्टर ने कुश्तला में अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। चूरू के सादुलपुर में ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिससे घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अन्य तीन लोग घायल हो गए, वहीं दूसरे एक और युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा सादुलपुर बाईपास NH 52 पर हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ में सोहनगढ़ और वीरमपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो अलग अलग मामलों में हुए खूनी संघर्ष में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायल चंपाराम का शेरगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। साथ ही दूसरे मामले में धर्माराम भी गंभीर घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। भरतपुर के वैर में कस्बे के कोटा पट्टी नयाबास में निर्माणाधीन गौरवपथ निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड पार्षद सोनू के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने की मांग की है। वैर में गौरवपथ स्वीकृत हुआ, जिसका निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार ने बीच में ही रोक दिया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भरतपुर के वैर में गांव जहाज स्थित कारी सुदेव मंदिर की पूजा व्यवस्था को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए मंदिर प्रांगण में पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि जब तक दोनों पक्ष गोठियाओं का विवाद नहीं सुलझता, तब तक जहाज गांव के लोग यहां पूजा व्यवस्था को देखेंगे। अब मंदिर के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसकी देखरेख में पूजा की बोली लगाई जाएगी तथा 5 सदस्यीय कमेटी मंदिर की आय व्यय का हिसाब रखेगी। भरतपुर के डीग में गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ठेकेदार द्वारा प्रथम चरण में जल महल के चारों ओर सीसी रोड बनाया गया, साथ ही रोड की चौड़ाई भी की जा रही है। साथ ही अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। भरतपुर के डीग में भाजपा युवा नेता गिरीश शर्मा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेला में बंद हुए कुश्ती दंगल को पुनः शुरू कराया जाए। ये कुश्ती दंगल हर साल मेले में 2 दिन नगर पालिका आयोजित करती थी, लेकिन कामा रखी हादसे के बाद ये कुश्ती दंगल कामा और डीग में प्रशासन ने करना बंद करा दिया। लेकिन गत 2 सालों से कामों में कुश्ती दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन डीग में अभी भी बंद है। इस साल कुश्ती के विभिन्न अखाड़ों के पहलवानों ने प्रशासन से मांग की है कि कुश्ती दंगल पुनः शुरू किया जाए। भीलवाड़ा के आसन में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल परिसर में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण में कदम, आंवले, अश्वगंधा, अर्जुन जैसी स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का पौधरोपण किया गया। इसमें डॉक्टर विजय कुमार गोयल, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अमर सिंह, योग अनुदेशक राहुल सिंह, सुरेश कन्हैया ने अपना योगदान दिया। जयपुर के सामर लेक में आर्य समाज के तत्वावधान में कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन NCC के छात्र छात्राओं के सहयोग से पौधरोपण किया गया। कस्बे को आर्य समाज के द्वारा हरा भरा करने को लेकर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। लेफ्टिनेंट ज्ञान प्रकाश दायमा व सहयोगी टीम की मेहनत से अब तक 500 पौधे लगा चुके हैं। वहीं लोगों के द्वारा नए कार्य के लिए आर्य समाज व दानदाताओं की सराहना भी की गई। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर राजसमंद के रेल मगरा से, जहां उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सभागार में सेंट्रल GS की कार्यशाला का JP वैद्य सहायक आयुक्त के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहायक आयुक्त वैद्य ने विभाग की ओर से स्वागत करते हुए GST कर प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। पंजीकरण से लेकर रिटर्न भरने जैसे सभी कार्य सरकार ने ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे आपको बिचौलियों से मुक्ति मिल पाएगी। सीकर की निंगस नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। 20 साल पुराने आम रास्ते को खुलवाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में कच्चे पक्के अतिक्रमण को तोड़ा गया। इससे पूर्व नगर पालिका की अब तक की प्रत्येक कार्यवाही के दिन प्रशासन पर अभियान के तहत पक्षपात के व्यापारियों ने आरोप लगाया। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन जिसे चाहे उसे तोड़ रहे हैं और जिसे चाहे उसे छोड़ रहे हैं। राजसमंद के रेल मगरा में कस्बे के भारतीय शिशु निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ।
प्रधान अध्यापक अल्लानूर मंसूरी सहित विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त किया। पाली के देसूरी में टाटिया में वह छात्र का शव मिल गया है। वहीं कुछ दूरी पर दो दिन पूर्व वह युवक का भी शव मिल गया। देसूरी अस्पताल के मोर्चे में शव को रखवाया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के थड़ोदा और छोटी बिजौलिया गांव के बीच 8 महीने पहले शुरू किया गया पुलिया का निर्माण ठेकेदार की लापरवाही के चलते अधूरा पड़ा है। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानियां उठानी पड़ रही है। वहीं पुलिया के दोनों ओर खुदे हुए 8-8 फीट गहरे गड्ढे कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। पुलिया को दुरुस्त करवाने के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। बारा के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में चिकित्सा विभाग सहित सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। उपचार के अभाव में एक मासूम की सांसें थम गई। सोमवार को चौरा खाड़ी निवासी 7 महीने के मासूम सन्नी देवल सहरिया की जान बच सकती थी यदि जिम्मेदार समय पर कुछ तत्परता दिखाते। बाड़मेर के समदड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बरसाती पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पूरे परिसर वार्ड में पानी भरने से मरीजों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे बरसाती पानी पूरे परिसर और वार्ड में भर गया है। बाड़मेर के सिवाना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से मोदीसरा वासियों की चिंता बढ़ गई है। गांव में निरंतर हो रही बारिश से पक्के मकानों की छतें भी टपकने लगी है। बरसाती पानी की समुचित निकासी नहीं होने से बस्ती में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अतिवृष्टि से मेघवालों की वास में एक कच्चा मकान ढह गया है। सरपंच ने हालात का जायजा लेकर आमजन से मुलाकात कर जल निकासी का भरोसा दिलाया और कहा कि बरसात में हमें अपनी सावधानी के साथ रहना है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में सावन शुक्ल मास का तीसरा सोमवार पर चतुर्थी से श्रद्धालुओं ने मनसापूर्ण महादेव की व्रत का संकल्प लिया। विभिन्न शिव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा और इसी के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। झालावाड़ के बकानी कस्बे में स्थित शारदीय छात्रावास में 14,70,000 रुपए की लागत से नए बने कक्षों का लोकार्पण संसदीय सचिव नरेंद्र नागर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 11 प्रतिभावान छात्राओं का भी सम्मान किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में गणवेश व्यवस्था प्रतियोगिता आयोजित आदर्श विद्या मंदिर खुड़ियाला में गणवेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर के नसीराबाद में सावन मास के चलते नसीराबाद विधानसभा में चारों ओर कांवड़ियों की जमकर धूम मची है। इसी के साथ चारों ओर बम बम बोले की जयकारों की गूंज भी गूंजती रही। मंगलवार की प्रातः नसीराबाद के निकट ग्राम बागसूरी गांव में पुष्कर से पवित्र जल लेकर जो की कांवड़ी पहुंचे त्यों ही सैकड़ों ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। अजमेर के मसूदा में अंधेरी देवरी में उपखंड अधिकारी एवं विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी सुरेश चावला ने स्कूल में छात्रों से रूबरू होकर मतदान एवं मतदाता के बारे में बच्चों को समझाया। इस दौरान बच्चों से मतदान को लेकर सवाल जवाब किए गए। इसी के साथ मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, मृत मतदाताओं के नाम हटवाने एवं विशेष योग्य जनों को लेकर जानकारी दी गई। करौली के डोडा भीम में कस्बे के डूंगरपाड़ा मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर में महादेव के जलाभिषेक के लिए कस्बे के शिव भक्त मंडल के लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा के दौरान सभी युवकों ने बैंडबाजों की धुनों पर जमकर नृत्य किया और भव्य आतिशबाजी की। कस्बे में कई स्थानों पर इन कावड़ियों का लोगों ने अल्पाहार एवं शीतल पेय पिलाकर स्वागत किया। कोटा के इटावा में नगर के शिवाजी बस स्टैंड पर दिन भर आवारा मवेशियों का रौड़ा लगा रहता है जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मवेशी लड़ते झगड़ते हुए सड़क पर आ जाते हैं जिससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अजमेर के अराई में राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में सरपंच नैराज देवी व स्कूल प्रशासन ने पौधरोपण किया। अराई थानेदार अयूब खान ने भी स्कूल में पौधे और इस दौरान छात्रों ने देखभाल का संकल्प लिया। कोटा के सांगोद में ज्योति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परस्पर संवेदात्मक स्कूली वचनबद्धता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को मतदान का महत्व बताते हुए संस्था के निदेशक राम अवतार वर्मा मतदान को लेकर जागरूक किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाने में तीज मेले को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर व तीज की सवारियों को लेकर चर्चा की गई। भरतपुर के रूपवास में भी बजरंग दल ग्राम इकाई कांदोली की बैठक प्रखंड संयोजक संतोष टीकरवार के मुख्य अतिथि में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकारिणी विस्तार एवं 27 जुलाई को बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टान यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चलने का आह्वान किया। अजमेर के अराई में थाना पुलिस ने क्षेत्र के स्कूलों में चल रहे बाल वाहिनी वाहनों की जांच की तथा कुछ के चालान बनाकर नियमों के पालन करने की हिदायत दी गई। श्रीनगर में स्कूली बस की चपेट में आने से कल एक बालिका की मौत हो गई थी जिस पर जिला एसपी ने सभी थानों को वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं।
कोटा के सांगोद में हिंगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल में बीमारी से ग्रसित छात्रा के उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में स्कूल प्रशासन को लापरवाह ठहराते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवासीय स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। टोंक के देवली में बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान है। यहां सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। अजमेर के केकड़ी में सूरजपुरा जनकपुरी धाम से रूनीचा रामदेवरा के लिए 23वीं पदयात्रा आज प्रारंभ हुई। समाज सेवी रामकरण गुर्जर के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र के सैकड़ों पदयात्री रामदेवरा के लिए रवाना हुए। खराबाड़ के मनोहर थाना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने दुष्कर्म के हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से जावर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि शोरती गांव निवासी 25 वर्षीय महिला ने 24 मार्च को उसके साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज कराया था। उस प्रकरण में जांच के बाद रईस खां को गिरफ्तार किया गया। करौली के इंडौन सिटी में मिट्टी के अवैध दोहन से जल सेन की पाल कट चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन को मुकरणी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। खराबाड़ के भवानी मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड आंवली कला से ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जहां जुआ खेलते हुए 18,630 रुपए की राशि भी जब्त की गई। राजसमंद के आमेट में थाना सर्किल के चावन माता के पास दो बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को राजसमंद रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के आसिम में बांकिया रानी माता जी का खेड़ा में माला सेवी गांव के पास मोटरसाइकिल और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार कैलाश जाट घायल हो गया, जिसे आसिम राजकीय चिकित्सालय लाया गया। टोंक उनियारा में एसडीएम कार्यालय में एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर ने कार्यभार को संभाला। एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर ने कार्यभार संभालने के बाद सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बिना अनुमति के कार्यालय नहीं छोड़ने के लिए कर्मचारियों को पाबंद भी किया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।